अब बात करते हैं रणभूमि लाइव की। यूपी चुनाव के तीसरे दौर के मतदान के लिए आज प्रचार युद्ध थम जाएगा। आप ठीक मेरे पीछे लगी एक घड़ी को देख सकते हैं जिसमें सुबह के 8 बज चुके हैं और दूसरे साइड आप देखेंगे प्रचार थमने में कितना वक्त बचा हुआ है, 9 घंटे 59 मिनट और सेकंड्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यानी कि अब से ठीक लगभग करीब करीब 10 घंटे के बाद प्रचार युद्ध थम जाएगा। आज का चुनाव प्रचार सबसे खास होने वाला है क्योंकि आज दिग्गज यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। जिन 16 जिलों की 59 सीटों पर आज सियासी शोर थमेगा उन सभी जिलों में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। लगातार दिग्गजों के बीच से हमारे संवाददाता हर हलचल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और सीधे रणभूमि लाइव से हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो इस तूफानी कवरेज के बीच हर बड़ी खबर पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है। 20 फरवरी को मतदान होना है लेकिन बाकी पूरे सूबे में कैसा है सियासी माहौल, राजनीति की हर हलचल अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार तीसरे चरण के लिए थम जाएगा। यूपी में तीसरे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे प्रचार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा जिसमें अभी करीब करीब 10 घंटे का वक्त है। यानी कि सिर्फ 10 घंटे ही हैं उन तमाम दिग्गजों के पास जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना है। 16 जिलों की 59 सीट है जहां पर प्रचार का शोर आज थम जाएगा। यूपी में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आज पूरे दिन हर एक जिले से हर एक सीट से अलग अलग तस्वीरें आएंगी चुनाव प्रचार की, वो सब हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अगले और चरणों के लिए किस तरीके से सियासी सूरमाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है उसकी एक एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचाएगा। 16 जिलों की 59 सीट है जहां पर तीसरे चरण में चुनाव होना है और करीब 626 प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं। हर एक हलचल हम आप तक पहुंचाएंगे। अलग अलग जिलों में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और वहां से वो एक एक अपडेट एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है जिसके लिए चुनावी शोर आज पूरी तरीके से थम जाएगा। चलिए अलग अलग हिस्सों से आज दिन भर की ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, कहां पर कौन सियासी सूरमा रहने वाला है ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी को लेकर अतीश त्रिवेदी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवधेश मिश्रा है झांसी से हमारे साथ हैं, वरेश पांडे मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए सनुज हाथरस से, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ कन्नौज से जुड़े हुए हैं। सभी के पास जाएंगे, विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां से कैसी कैसी तस्वीरें आज दिन भर उभर करके सामने आएंगी। सबसे पहले रतीश का रुख कर लेते हैं। रतीश, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि तीसरे चरण का जो रण है उसके लिए प्रचार का आज आखिरी दिन, कैसी तस्वीर वहां से सामने आएगी, क्या कुछ रहने वाला है दिन भर, बताइए। बिल्कुल, देखिए आज 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण में जो मतदान होने जा रहा है उसका प्रचार का आखिरी दिन है और पूरा दमखम जोर लगाना चाहते हैं सभी प्रत्याशी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज दो रोड जनसभा करने आ रहे हैं, 4 विधानसभाओं को नापेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज 3 विधानसभा क्षेत्रों पर रोड शो करेंगे। यानी प्रचार युद्ध अपने चरम पर होगा कानपुर की सड़कों पर और कानपुर की सड़क पर उतरकर एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री एक दूसरे को पर वार पलटवार करेंगे। इस बीच सुबह से ही चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है। तमाम प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशियों के समर्थक निकल करके प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि प्रत्याशी देर रात तक अपने घर पहुंच रहे हैं। जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई प्रत्याशी तो दिख नहीं रहे हैं, आप लोग कहाँ घूम रहे हैं? प्रत्याशी दिख नहीं रहा, दो दो तीन तीन बजे दिख रहे हैं, सुबह मॉर्निंग बुलाए कैसे आ जाएंगे, समस्या ये अभी अभी तैयार हो रही। मैं फोन किया, बोले राजेंद्र 3 बजे मैं घर पहुंचाऊँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सुबह उठ के 5 बजे पहले टहलने का, टहलने के बाद आए चाय दुकानों में, इनके जो चच्चा बता रहे हैं अपनी खूबियाँ बता रहे हैं, हमारे अखिलेश जी ने ये कराया, हमारे अखिलेश जी ने ये कराया, तो सारी चीज़ बता रहे। लोग व्यक्तिगत ही कह रहे हैं कि नहीं समाजवादी सरकार ने काम किया, समाजवादी सरकार क्या बता रहे हैं, क्या बातें लेकर के जा रहे हैं लोगों के पास? लोगों के पास हमारी जो योजनाएं हैं वो सब लेके जा रहे हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर में 20 लाख नौकरी, क्योंकि रोजगार तो इन्होंने दिया नहीं, केवल ये फ्री बांटना चाह रहे हैं कि राशन फ्री देके बिल्कुल आदमी को बेकार करना चाह रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, आप भी प्रचार में लगे हुए हैं, टोपी वोपी लगा रखी है समाजवादी पार्टी की, क्या बताने जा रहे हैं? देखिए एबीपी गंगा को हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप हमको
सरकार को कहने का मौका देते हैं। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी करैल से होकर देर रात आए, आज कानपुर में हम लोग उनका भव्य स्वागत करते हैं। और यहाँ के विधायक कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से तैयारी कर। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मैनपुरी से। वीरेश जी, मैनपुरी की जो करहल सीट है इस बार सबसे ज्यादा हॉट सीट है, कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिलेगी। आज पूरे दिन क्या तस्वीरें वहां से आप दिखाएंगे? देखिए, करहल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, ये उनका घर है, ये मुलायम सिंह यादव का घर है, नेताजी का घर है। और अखिलेश यादव अभी घर के अंदर हैं, जिस तरीके से रतीश त्रिवेदी बता रहे थे कि कानपुर उन्हें पहुंचना है। जी हां, कानपुर जाएंगे, इंतज़ार जो कार्यकर्ता हैं वो भी कर रहे हैं और सड़कों पर खड़े हैं कि उनके प्रिय नेता निकलेंगे और एक झलक उन्हें वो दिखाएंगे। और मैं आपको बताऊँ कि अखिलेश यादव यहाँ पर हैं तो मुलायम सिंह यादव इटावा में हैं और साथ ही साथ पूरे परिवार के लोग यहाँ पर हैं सैफई में। और ये सैफई में शिवपाल यादव भी इटावा में हैं, धर्मेंद्र यादव भी सैफई में हैं, तेज प्रताप यादव भी सैफई में हैं, अखिलेश यादव भी सैफई में हैं। और अंदर एक पारिवारिक मीटिंग चल रही जिसमें धर्मेंद्र यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, क्योंकि यहां से अखिलेश यादव को सीधे कानपुर जाना है, वहां रोड शो करना है, 3 सभाएं करनी है। ये वो घर है नेताजी का, मुलायम सिंह यादव का, सैफई का, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए एक तरीके से धार्मिक स्थल हम कह सकते हैं। यहां पर आते हैं, शीश नवाते हैं, देख लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये वो भूमि है, वो जन्मभूमि है मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की, जहां पर मैं खड़ा हूं। और ये न केवल करहल की बात करता है, ये न केवल मैनपुरी की बात करता है, इटावा की बात करता है, इस थर्ड फेज की बात करता है, बल्कि यहां से पूरे प्रदेश 403 सीटों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घर के अंदर हैं और अपने परिवार के जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग करने के बाद माना यह जा रहा है कि अब से आधे घंटे के बाद सैफई के इस अपने बंगले से, घर से निकलेंगे और कानपुर के लिए रवाना होंगे। आशीर्वाद भी ले सकते हैं इटावा में मौजूद मुलायम सिंह यादव का और वहां से भी निकल सकते हैं, इसकी भी बात मानी जा रही है। लेकिन धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस धार्मिक स्थल पर, इस तीर्थ स्थल पर अपने इकट्ठा हो रहे हैं। और इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ियां, सुबह का वक्त है और माना यह जा रहा है कि भीड़ और भी बढ़ेगी। बढ़ने का कारण यह है कि जब निकलेंगे अखिलेश यादव तो एक झलक इन्हें देख लेंगे, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, दूर दूर से भी आए हुए हैं और सुबह से तैयार होकर आए हैं कि अखिलेश यादव को देख लें, हाथ हिला लें, इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। जी जी जी, बस मैं रुबीना कुरैशी कानपुर देहात से हूँ। कानपुर देहात से आ गई है, सुनिए जी, केवल एक झलक देखने के लिए और साथ ही चलने के लिए। और निश्चित रूप से करहल से उत्तर प्रदेश की सबसे ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी। लगातार प्रचार में है जी, लगातार कानपुर देहात से। जी जी, आप कहाँ से आकर प्रचार कर रहे हैं? फिरोजाबाद से, विधानसभा 97 से, वहाँ से आके जी प्रचार चल रहा है। जी जी, आप कहाँ से आए? बेटी के साथ हम तो बोले कानपुर, हम कानपुर से आए हैं और फिर हम अखिलेश को चाहते हैं, अखिलेश को चाहते हैं उनका देखना, मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं, हम भी मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। आप भी, आप कहाँ से? कानपुर देहात से। कानपुर देहात से आप? मैं जसराना से, जसराना प्रिंसिपल हूँ इंटर कॉलेज में, जसराना से। जसराना से जी वीरेश जी, क्योंकि देखिए जिन 59 सीटों में तीसरे फेज में वोटिंग हो रही है वीरेश जी, उसमें 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर यादव बहुल सीटें हैं और वहां पर इस बार बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश के लिए भी है। पिछली बार हमने देखा था 2017 में सत्ता की सवारी जो है इन्हीं सीटों से भाजपा ने की थी, अब इस बार अखिलेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, झांसी का रुख कर लेते हैं, वहां से अवधेश मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, आज दिन भर वहां की क्या तस्वीरें रहने वाली है, वहां के लोग क्या कुछ कहते हैं तीसरे फेज को लेकर और कौन कौन सियासी धुरंधर वहां पर आज दिखाई देगा दिन भर? बिल्कुल दीपा, अगर हम बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की तो बुंदेलखंडी वो क्षेत्र था जो सबसे मजबूत था बीजेपी के लिए और इस बार 13 सीटों पर चुनाव होना है। झांसी की 4 सीटें हैं, महोबा की 2 सीट है, महोबा सदर और चरखारी, इसके अलावा हमीरपुर की 2 सीटें हैं, जालौन की 4 सीटें हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में 3 दिग्गज यहां पर आ जा रहे हैं। पहले है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उसके बाद अनुप्रिया पटेल भी होंगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज झांसी में होंगे, इसके अलावा आसपास के जिलों में भी जाएंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वोटर्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और इनके मन में क्या चल रहा है इनसे हम जानते हैं। बताइए कि इस बार बुंदेलखंड में कौन बुलंद होगा, झांसी किसको जिता रही है? समाजवादी पार्टी को। अच्छा, क्यों?
क्यों स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल अच्छी नहीं रही इनकी, शिक्षा भी कोई अच्छा नहीं रहा मामला, और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो नेता तो आते होंगे, क्या वादे कर रहे हैं इस बार नेता? नेता वादे तो करते हैं, अभी कोई 5 साल के बाद जब वोटिंग होती है वो जब ही आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है। पर तो आप अपने घर बैठो, वो अपने घर बैठे। किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे इस बार आप लोग? विकास के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। क्या क्या मांग है, क्या ऐसा था जो नहीं हुआ या और बेहतर? नहीं, काम तो बहुत हो रहा है, काम बहुत हो रहा है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस स्टेशन का नाम भी बदल गया दिया गया है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो गया है, तो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? इस पर तो बहुत विरोध हुआ है, इस पर सारे कह रहे हैं इस बात को, झांसी का नाम पीरा चेंज करके बहुत गलत हुए, झांसी नाम हटा चुके हैं जो लोग। अच्छा। और जो मुद्दे होंगे चुनाव के, पूरे सापा गवर्नमेंट पे जाएंगे यहाँ से। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग का स्टैंड था स्टेशन पे झांसी पे, वो स्टैंड भी ले लिया हम लोग को, बाहर फेंक दिया ऑटो वालों को, और गवर्नमेंट ने बसें चला दी, उसका किराया कर दिया 5 रुपये 10 रुपये। अब ऑटो वाले जैसे पेट बच्चा परिवार पाल रहे थे, अब कैसे पालेंगे उन्हें? क्या और मुद्दे हैं यहाँ बुंदेलखंड में, और खासतौर से झांसी की बात करें, आसपास सीट की बात करें? झांसी बीजेपी और सपा में टक्कर है। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, महंगाई बेरोजगारी। अच्छा, बुंदेलखंड के विकास की बहुत बात होती है, तो हुआ है विकास की नहीं? विकास तो नहीं हुआ है, सिर्फ जुमलेबाजी रही है। ठीक है, क्या जुमला फेंका, क्या चाहते थे आप जो नहीं हो पाए? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बहुत सी समस्या। बिल्कुल अवधेश, मुद्दे कई सारे हैं और जनता अपना मन भी लगभग तय कर चुकी है कि किन मुद्दों पर इस बार उन्हें वोट देना है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सनुज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं हाथरस से। हाथरस छोटा सा जिला है सनुज, लेकिन आज पूरे दिन वहां से क्या तस्वीरें होंगी, क्योंकि तीसरे फेज में वहां पर भी इलेक्शन है? देखिए, हाथरस में यूं तो 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सबसे हॉट विधानसभा सीट जो है वो सादाबाद है, चूंकि यहाँ से बीएसपी के कद्दावर नेता, बीएसपी में मंत्री रहे, मायावती के करीबी रहे रामवीर उपाध्याय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में हाथी की सवारी करके विधायक बने थे, लेकिन इस बार हाथी की सवारी के बजाय बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की बात करूं तो प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया यहाँ चुनाव मैदान में है, और बीएसपी से यहाँ डॉक्टर अमनी है। यहाँ की पब्लिक क्या सोच रही है, यहाँ चूंकि हाथरस की बात करें तो जो यहाँ का हींग है और यहाँ की जो पब्लिक है वो किस राजनेता के उसमें हींग का सियासी तड़का लगाएगी, यही हम पब्लिक से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या लग रहा है आपको, किसके पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है? पक्ष में तो साफ सीधी के लिए आरएलडी के लिए क्लियर है गुड्डू भैया के। वजह उसके पीछे की? वजह एक तो 5 साल में विकास, दूसरा महंगाई, रोजगार के मुद्दे काफी हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, रोजगार के मुद्दे हैं और महंगाई है, इन मुद्दों को कोई रखना नहीं चाहता। अच्छा, इनको कोई रखना चाहता, आप बताइए भाई साहब। हम तो साहब जा पक्ष में के गैया बजरा ने रोक दे बाबा। अच्छा। गरीब आदमी पर खाए बे ना जी न होगा तो हमें कहाँ मिलेगा बताओ। अच्छा। हम दुकानदार हैं, व्यापारी है, हम कहाँ दिखाएंगे? जब किसान के पास पैसा होगा तो हमारे पास भी पैसा आएगा। क्या सोच रहे हैं सब? गैया बाजार ने हटावे की सोच रहे हैं, गैया बाजार ने कौन हटावे वो? उनको कौन हटाएगा? ताऊ जी आपसे जानना चाहूंगा, ये बता दीजिए क्या चल रहा है? सादाबाद है, पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, कद्दावर मंत्री है रामवीर उपाध्याय, वो चुनाव मैदान में है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो स्वच्छ छवि का है, मान लीजिए जो हमें शासन प्रशासन मतलब मतदाता के ऊपर निर्भर करता है, और मतदाता उसी को चुनता है जो स्वच्छ छवि का नेता है और भय मुक्त शासन दे। तो किसने दिया? अब ये भय मुक्त शासन तो आगामी समय बताएगा ना। सनोज, हर एक युवा है उनसे भी बात कर लेते हैं, आप बता। हर एक व्यक्ति का, हर एक मतदाता का अपना एक अलग मुद्दा है, और अपने 5 साल में वो ये तय कर चुके हैं कि किसने कितना काम दिया और इस बार वो किसे मतदान करने वाले हैं, किसके पक्ष में मतदान करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, और रणभूमि लाइव में हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा, और एक नजर इस घड़ी पर भी घुमा लीजिए, क्योंकि 9 घंटे 39 मिनट 42 सेकंड बचे हुए हैं सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए प्रत्याशी आज अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। 16 जिलों में मतदान होगा, और 16 जिलों में 16 रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं अलग अलग जगह से, जो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्नौज से विवेक त्रिपाठी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं आज पूरे दिन। विवेक, क्या तस्वीरें कन्नौज से रहने वाली है, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है?
बिल्कुल देखिए, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं वो कन्नौज की सबसे हॉट सीट है, यानी कन्नौज सदर। यहां से 3 बार के विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से अनिल कुमार दोहरे। अभी हमने उनसे बात की थी और उनके मुकाबले में लड़ रहे हैं पूर्व IPS असीम अरुण, भाजपा से हैं। मुकाबला बहुत कड़ा है। 2017 में जब मोदी की लहर थी तब भी अनिल दोहरे ने जीत हासिल की थी, हालांकि 2500 वोटों से वो जीते थे, लेकिन इस बार असीम अरुण उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हम जहां पर खड़े हैं सदर सीट के उस इलाके में, यानी मकरंद नगर चौराहा, यहां आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, भीड़ जुटी हुई है यहां पर, बहुत सारे लोग हैं क्योंकि ये मंडी भी है और मंडी में आप देख रहे हैं ये सब आलू और पीछे सब्जियां देख रहे हैं, लोग भी हैं हमारे साथ। हम आपसे पूछेंगे कि सदर में अब की बार क्या होगा? सदर में इस बार कमल खिलेगा। कमल इसलिए खिलेगा कि मेरे विधायक जी जो मौजूदा सपा के हैं, जो घर में ही लेटे रहे 5 साल, जनता के पास गए नहीं, कोई काम किए ही नहीं, अपने घर में ही मस्ती लेते रहे, अब जनता के दरवाजे पे जा रहे, जनता उनको भगा रही कि अभी तक 5 साल तक आप कहाँ खोए रहे। मोदी लहर में भी उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। मोदी लहर में यहाँ पे कुछ अंदरूनी मामला था, उसकी बात छोड़िए आप, इस बार उनका बिल्कुल बम्पर सफाया होने वाला है, यहाँ पे नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। मेरे माननीय योगी जी का घर घर पे महीनों में 2 बार राशन दे रहे हैं, इस बार वृद्धा के लिए पेंशन 1500 रुपए कर दी है, गरीब योजनाएं तो हैं। आप क्या कहें? सबसे मेन पॉइंट भाई साहब, जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। कोरोना काल में अगर समाजवादी की सरकार होती तो आम आदमी, गरीब आदमी भूखा मर जाता, दो दो बार राशन महीने में, दो दो बार। योजनाएं बनाई है सरकार? हाँ बनाई है। अब की बार क्या होगा? अब की बार वही होगा जो होता चला आया, होता तो 3 बार से यहाँ समाजवादी पार्टी होता आया है। अगर देखे तो किसी को लगता है कि कमल इस बार वहाँ पर खिलने वाला है, तो किसी को लगता है कि इस बार तो साइकिल दौड़कर ही रहेगी, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से बने हुए हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नजरें जरा एक बार आप घड़ी की तरफ भी घुमा लीजिए। 9 घंटे 36 मिनट और 48 सेकंड बचे हुए हैं। ये घड़ी बार बार इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि इस घड़ी की टिक टिक के साथ नेताओं की दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि प्रचार के लिए बस मौका इतना ही है। शाम को 6 बजे के बाद कोई मौका नहीं होगा, कोई प्रचार नहीं होगा और पूरी तरीके से गेंद जनता के पाले में चली जाएगी। हर एक तस्वीर दिखाएंगे।